से अगर कीर्ति आजाद लड़ेंगे तो फिर आप कहाँ से लड़िएगा? कोई दूसरा जगह है आपके पास? दरभंगा में पहले कीर्ति आजाद जी को स्वागत है जी। पहले तो वो कांग्रेस पार्टी में आवे जी। और कांग्रेस पार्टी में आएंगे, हमारे सहयोगी के गठबंधन में आएंगे, उसको हम शुभकामना देते हैं। उसके बाद कांग्रेस उनको चुनाव लड़ाएंगे, कहाँ से लड़ाएंगे, किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ाएंगे, ये कांग्रेस सोचेंगे। फिलहाल तो दरभंगा लोकसभा सीट पे अभी कोई क्लियर नहीं है कि कौन चुनाव लड़ेगा। वो हमारे गृह जिला होने के नाते हमारी पार्टी का सबसे ज़्यादा मजबूत दावेदार होगा कि उस वीआईपी पार्टी उस चुनाव उस सीट पे से चुनाव लड़े। बाकी हम लोग जब मिलेंगे बैठेंगे तो डिसीजन लेंगे। कोई भी पार्टी में कोई चुनाव ज्वाइनिंग करता है तो इसका मतलब नहीं कि चुनावें लड़ेगा। तो पार्टी में लाखों लोग ज्वाइनिंग करता है तो लाखों लोगों को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। बिहार में 40 सीट है और 40 सीट पे पर्याप्त ऑलरेडी पहले से ही बहुत सारे सब सहयोगी पार्टी के पास बहुत सारा कैंडिडेट है। तो कोई चुनाव अगर कोई पार्टी ज्वाइन करता तो इसका ये मतलब नहीं कि चुनाव लड़ेगा। एक वर्कर बनके पार्टी को मजबूती देंगे कीर्ति आजाद जी, और भविष्य में उनको कांग्रेस सोचेगा कि क्या करना है। अच्छा, तीसरे मोर्चे के निर्माण की बात बार हो रही है कि कांग्रेस तीसरा मोर्चा निर्माण कर सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स हो रहा है, क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है। थोड़ा बहुत तो मीडिया में इस तरीके का बात है, विरोधी जो दल है खास करके एनडीए के लोग इस तरीके का प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं हो रहा है। नहीं, प्रेशर देखिए हर पार्टी प्रेशर थोड़ा सा खेलता ही है, लेकिन सबको आखिर जीना है जी। कोई अकेला मरना नहीं है, उनके पास स्वतंत्र है। कांग्रेस 40 जगह चुनाव लड़ लेना तो लड़ तो नहीं रहा है, गठबंधन करना है। तो गठबंधन जब तीसरा मोर्चा भी बनेगा तो आपको भी पता होगा कि तीसरा मोर्चा को कितना असर होगा जी। तो इसलिए उसको भी सबको पता है कि तीसरा मोर्चा का कोई असर नहीं होगा, और सब मिलके एक साथ में रहेंगे। जो मोदी जी जिनको तकलीफ दिए, जिनको धोखा दिए, वो लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि महागठबंधन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। आखिरी सवाल है मेरा, एनडीए की नाव पार लगाने वाला महागठबंधन की नाव पार लगाएगा? निश्चित तौर पे महागठबंधन का नाव लगाएंगे। हम खेवैया हैं, हमारे नाव पे सब कोई बैठे और हम सब मिलके पार लगाएंगे, उसमें हम खुद भी पार लगेंगे। आपके गैर हाजिरी में, हालांकि ये सवाल आपके लिए नहीं है, मगर आपकी गैर हाजिरी में एनडीए की खेवैया कौन है? हाँ, आपके गैर हाजिरी में अब एनडीए में बिहार की खेवैया कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, डूब जाना तय है। तो ये थे मुकेश सैनी, कह रहे हैं कि एनडीए का डूब जाना तय है, वैसे ही तय है जैसे पिछली बार मोदी लहर आई थी और उसमें कईयों की नाव बह गई थी। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।